नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल ड्राइव के बारे में, जो कि गाइस अब आप गूगल ड्राइव को ऑफलाइन भी यूज कर पाएंगे। तो गाइस ये ऑफलाइन फीचर कैसे मिलेगा और कहाँ कहाँ यूज कर पाएंगे, जैसे ही गाइस बात करें आप मोबाइल फोन पे और आप डेस्कटॉप पे दोनों पे वर्क कर पाएंगे। जैसे कि आप नॉर्मली गूगल ड्राइव का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो एक एप्लीकेशन आप डालेंगे गूगल पे, गूगल ड्राइव डाउनलोड सॉफ्टवेयर, तो आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये कैसे आप यूज कर पाएंगे, जैसे कि आप वन ड्राइव यूज करते हैं, आप उसे ऑनलाइन भी यूज करते हैं, ऑफलाइन भी यूज करते हैं। डेट मीन्स ये है कि जो भी आप वन ड्राइव में डेटा अपना पर्सनली जिस डेस्कटॉप से आप, मतलब मैं तीन डेस्कटॉप चला रहा हूँ, एक लैपटॉप चला रहा हूँ, डेट मीन्स ये टोटल मिला के मैं चार चीजें चला रहा हूँ। चार चीजों में से मैं लैपटॉप पे ही ज्यादा का जो है वन ड्राइव में डेटा इंस्टॉल कर, मतलब डेटा अपलोड करता हूँ, और बाकी सब डेस्कटॉप जो है वो यूज करते हैं सिर्फ डेटा को। अब जो है मैं कभी, मेरे पास इंटरनेट लैपटॉप में कनेक्ट नहीं भी होता, तब भी मैं वन ड्राइव का जो मैं डेटा अपलोड करता हूँ वो ऑफलाइन ही सेफ रहता है, जैसे कि सी ड्राइव की जगह वो घेरता रहेगा। लेकिन जो बाकी डेस्कटॉप है वो डेटा को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने जो फाइलें यूज करनी है तो वो तो डाउनलोड हो गई है उनके मोबाइल पे, ले डेस्कटॉप में, और जो फाइलें उन्होंने यूज नहीं की हैं या वो अपलोड होने, मतलब डाउनलोड होने से रह गए, तो उन फाइलों को तो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके डेस्कटॉप में भी उस टाइम डेटा नहीं चल रहा होगा। तो गाइस वैसे ही फीचर गूगल लेके आए, गूगल ड्राइव, जिसमें गाइस आपको जो मेनली वर्क करना होता है, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है अपने डेस्कटॉप में और उस पर अपलोड कर देना, जो कि सी ड्राइव की जगह वो नॉर्मली भरता रहेगा जो भी आप डेटा भरेंगे। लेकिन कभी आपके पास नेट नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो आपने फाइलें अपलोड की वो आप इजिली ऑफलाइन भी यूज कर पाएंगे। लेकिन परेशानी ये होती है, किसी ने आपको कोई फाइल भेजी है ड्राइव में, तो गाइस तब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आप उस फाइल को यूज कर देख भी नहीं पाएंगे, और वही फंक्शनैलिटी अब कहीं ना कहीं आपको गूगल ड्राइव मोबाइल फोन एप्लीकेशन में मिल जाती है। तो गाइस अब आप नेट ना भी हो तो जो आपके पास डेटा आप अपलोड करते हैं ड्राइव में वो देख सकते हैं, लेकिन किसी ने अटैचमेंट भेजा और आपके पास नेट नहीं है तो उस दौरान आप किसी भी फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे जो आपके पास सेफ है, मतलब जो आपके मोबाइल में सेफ हो गई है, जो आप नॉर्मली खोलते रहते हैं उन्हीं फाइलों को आप इजिली खोल के देख लेंगे। एक तरीके से मानिए कि डाउनलोड हो चुकी है वो फाइलें, आपने खोल के देख ली, अनदर ये नहीं है कि आपकी जो पुरानी फाइलें पड़ी हैं, आप नेट नहीं है तो आप सब फाइलों को खोल के देखे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि गूगल ड्राइव या वन ड्राइव दोनों कहीं ना कहीं एक तरीके से वर्क वो करते हैं। जो आप फाइलें ज्यादा यूज करते हैं तो डेट मीन्स आप ज्यादा खोल रहे, तो वो डाउनलोड कर लेती है, बार बार डाउनलोड करने की बजाय आपकी सी ड्राइव या मोबाइल की मेमोरी में डाउनलोड कर लेती है। तो इसलिए आपको अब कहीं ना कहीं जो एक मेन फंक्शनैलिटी मिल जाती है कि ऑफलाइन ड्राइव, तो गाइस ऑफलाइन का यही मतलब है, आप ये नहीं समझें कि बिना डेटा के मैं यूज कर लूंगा या अपलोड कर दूंगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, आपको इंटरनेट चाहिए नहीं होगा कनेक्शन। लेकिन यह है कि जो आप अपलोड करते हैं या आपने किसी ने भेजी वो डाउनलोड कर लिए, तो आप उसे आराम से ऑफलाइन भी यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।